बोलेगा क्या नहीं ये हो गया था ना। और दूसरा था आपका गुरु वाला, ठीक है ना, गुरु या दीर्घ या दीव मात्रिक क्यों, और संधेश्वर इसको बोला गया था, इसके बारे में बात हो चुकी थी। अंतिम जो रहा था क्या था, प्लुत स्वर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि इसका संकेत ऐसे होता है तीन, और फिर से इसके अलावा एक और क्या होगा ऐसे, इसको बोलेंगे अपूर्णाकार चिन्ह। क्या बोला गया था, अपूर्णाकार चिन्ह बोला था। इसके बाद इनकी यदि संख्या की मैंने बात किया था तो वह कितना था, अ और प्लस सात दीर्घ, और सात दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा, आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ फिर से ए, ऐ, ओ और औ। तो ये टोटल कितने हो गए थे, संख्या में हो गया था आठ, ये सात दीर्घ और एक आठ। इसके अलावा भी यदि आप देखेंगे, मतलब आठ ये टोटल क्या है, प्लुत स्वर है। इसके बाद से हेडिंग डालेंगे उस आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, उस आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। हो गया, तो ओष्ठ आकृति के आधार पे जो स्वर के प्रकार होंगे वह दो प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन होगा, जरा लिखिए, पहला होगा वृत्ताकार, या इसी को बोलेंगे वृत्त मुखी, ठीक है ना, ये पहला। दूसरा क्या होगा, जरा उसको लिखिएगा, अवृत्ताकार या अवृत्त मुखी, ये दूसरा होगा। उस आकृति के आधार पे स्वर का प्रकार जब कहेगा तो वृत्ताकार यानी वृत्तमुखी, अवृत्ताकार यानी अवृत्तमुखी। वृत्ताकार किसे कहेंगे, तो यदि मैं इसका शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं तो वृत्त धन आकार, यानी आकार किसके समान होगा, वृत्त के समान, और वृत्त का स्ट्रक्चर संरचना ऐसे होता है। तो ऐसे स्वर जिनका आकार या जिनका उच्चारण करने पे हमारे मुख का आकार कैसे हो, वृत्त के समान या गोल हो, तो वह क्या कहलाएगा, वृत्त के समान या वृत्त के समान या गोल आकृति। और वृत्त मुखी का भी मतलब है कि मुख वृत्त के समान खुले, तो क्या कहलाएगा, तो ये बात लिख लीजिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति गोल हो या वृत्त के समान हो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। क्योंकि परिभाषा पर भी प्रश्न पूछ लेगा, परिभाषा पर भी प्रश्न पूछ लेगा, परिभाषा पर जब प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है ना। इनकी संख्या लिखेंगे। अब जरा आप खुद सोचिए कि वृत्ताकार स्वर जो है कौन कौन से हैं, बताइए, ऐसे स्वर जो 11 स्वर है उनमें से कौन ऐसा स्वर है जिसका यदि आप उच्चारण कर रहे हैं तो मुख की आकृति गोल हो रही है या गोल के समान हो रही है। तो क्या हो रहा है, चार, यानी देखें, उ दीर्घ, उ ओ और औ, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, चार। अ
अवृत्ताकार स्वर के बारे में लिखिएगा, अवृत्ताकार स्वर कौन कौन होते हैं। तो अ एक क्या है, अ यहां एक उपसर्ग है और इसका मतलब होता है रहित या नहीं। वृत्तक, यही सेम चीज आ गया, वृत्त धन आकार, यानी अब आकार वृत्त के समान नहीं होगा या वृत्त के रहित होगा, वृत्त के समान नहीं होगा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वृत्त मुख, सॉरी उच्चारण करते समय मुख का आकार वृत्त के समान न हो वो क्या कहलाएगा बताइए, अवृत्त आकार ना। तो लिख लीजिए परिभाषा, इसका लिखिए, लिखिए इसको परिभाषा पे भी प्रश्न पूछते हैं। वृत्त के जैसा नो हो गया। तो अब ये होगा, हो गया वृत्ताकार, हो गया था चार, अवृत्ताकार कितना हो जाएगा, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के तो 11 होते हैं और 11 में जो सात बचा हुआ है वो अवृत्ताकार होगा। तो अवृत्ताकार स्वरों की संख्या आपसे पूछेगा तो कितना होगा, सात। और ये कई बार टीजीटी पीजीटी से लेकर यूपीएससी से लेकर पीएससी से लेकर एसआई बैंक रेलवे टेट सुपर टेट सब में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप इसको क्या करिए, उन सातों का नाम लिख लीजिए, सातों का नाम लिखिए, सातों का नाम क्या होगा, अ आ, लघु ई, दीर्घ ई, री, ए, आई, ठीक है ना, ये सात हो जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछ लेता है इनमें से वृत्ताकार स्वर नहीं है, वृत्ताकार स्वर है, अवृत्ताकार स्वर है, अवृत्ताकार स्वर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे अब, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार, नहीं पढ़े हो तब, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार। तो अब जीव जिस तरीके से क्रियाशील होगी उसके आधार पे क्या करेंगे, स्वर के भाग को देखेंगे। तो ये कितना होगा, तीन, और कौन कौन होगा, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर लिख लीजिए, हो गया तीन, हो गया सर जी। हेलो, हो गया ना। अब अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा क्रियाशील रहे, क्या हो, आगे के हिस्सा क्रियाशील रहे, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, अग्रस्वर कहलाएगा। तो लिख लीजिए इसको, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र हिस्सा क्रियाशील रहे, अग्र हिस्सा क्रियाशील रहे, क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं, हो गया। इनकी संख्या पांच लिखिएगा, इनकी संख्या कितनी हो गई, पांच। अब जरा आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए कि अग्रस्वर कौन कौन होगा, पता है, हाँ, जिसको बोले जीव का अगला हिस्सा, जैसे ई, ई,
री ए आई, आगे वाला हिस्सा क्या हो रहा है? क्रियाशील हो रहा है। तीन की संख्या हो गई कितनी? पांच। मैं लिखूं अ, सॉरी अ नहीं है, लघु ई, दीर्घ ई, री ए आई, ये कितने हो गए? पांच। ये दिमाग में रखिएगा, जीव का अग्र हिस्सा क्या हो गया? क्रियाशील होगा। दूसरा मध्य स्वर, इसको ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अन्य विभिन्न एग्जामों में केंद्रीय स्वर पूछे कि केंद्रीय स्वर है, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में जीव का बीच का हिस्सा या मध्य का हिस्सा क्रियाशील रहे, क्या कहलाएगा? मध्य स्वर कहलाएगा। और इनकी संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक होगी, और वह क्या होगा? अ। हो गया ना। अंतिम, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का हिस्सा या पश्च हिस्सा क्या हो? क्रियाशील रहे, क्या कहलाएगा? पश्च स्वर कहलाएगा। 11 स्वर है, 5 ये हो गया है, 6 ये हो गया है, बचा कितना है? 5। तो ये 5 जो बचे हैं उनको लिख लीजिए। 5 जो बचा है उसको लिखिए। हो गया 5। कौन कौन बचा है जरा उसको बताइए। 5 बचा है, आ, ओ, दीर्घु, ओ, औ, ये 5 होगा। अगर आपको कभी लगे कि भूल जाएंगे, तो इस परिस्थिति में आप क्या दिमाग में रखेंगे कि मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कितना होगा? 1। और ये क्या होगा? केवल अ, केवल क्या होगा? अ। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि यदि जिनके पहले 3 होगा, जिनको लिखने में 3 का स्ट्रक्चर लिखते हैं, 3 की संरचना लिखते हैं, वह तीसरे पे जैसे आ, ठीक है ना, उ, दीर्घ उ, ओ, और अ, तो ये अ को छोड़ के बाकी जिनके आगे 3 आएगा वह तीसरे में जाएंगे, यानी कि पश्च स्वर में क्या होगा? जाएगा। क्लियर है ना? लिखिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तालु, तालु कहाँ होता है? नाक में। हाँ तालु, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। पहली बार सुन रहे हो तो इसके पहले क्या पढ़े थे तुम? इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं था ये ना। खैर कोई बात नहीं, मजे की बात है कि थोड़ा थोड़ा तो मिलता ही रहता है। तो इस, अगर इसके भाग की बात बोला जाए, तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए कौन कौन है। पहला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समृद्ध, क्या लिखेंगे? और दूसरा लिखना चाहें तो विपरीत, तीसरा अर्ध समृद्ध, और चौथा अर्ध विपरीत। लिखिए, चारों का नाम लिखिए। हो गया। समृद्ध का अर्थ लिखिएगा बंद,
समृद्ध का अर्थ क्या होगा? बंद। और विपरीत का अर्थ क्या होगा? खुला होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये तालू है, ये क्या है? तालू है, ऊपरी हिस्सा है, और यहां से जीभ है, और जब जीभ जाके इस मसूड़े तक, यानी यहां तक पहुंच के, यानी मुंह को क्या करे, बंद कर दे, तो ये स्थिति, ये जीभ है, ठीक है ना? ये क्या है? जीभ। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जब जीभ जाके मसूड़े में, यानी तालू के पास जाके संपर्क करेगी, जिससे मुंह बंद हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? समृद्ध स्वर होगा। विपरीत स्वर क्या होगा कि जब ये जो तालू है, ठीक है ना, ये जो तालू है, यहां से ये स्वर क्या होगा कि यहां बंद होगा, देख रहे हैं ना, यहां से ये जो जीभ होगी यहां इस तरीके का स्ट्रक्चर लाएगी, यानी खुला होगा। क्या होगा? इस कण से ये जो विपरीत है ये क्या हो जाएगा? मुंह खुल जाएगा। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह क्या हो जाए? खुल जाए, तो क्या कहलाएगा? विपरीत। अभी आप देख रहे हैं कि समृद्ध का हिंदी या अर्थ क्या हो जाएगा? एक बंद। तो यहां दिया है अर्ध समृद्ध, इसका मतलब कि आधा खुला होगा और आधा बंद होगा। जैसे अगर मैं बात बोलूं कि यदि तालू है और ये जीव है, तो इसका उच्चारण करने पे आधा क्या होगा? खुला होगा और आधा बंद हो जाएगा। अर्ध विपरीत में क्या है? आधा खुला और आधा बंद। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आधा खुला और आधा बंद। तो ये अर्ध समृद्ध हो गया और अर्ध विपरीत हो गया, ठीक है ना? ये ऊपर वाले क्या होंगे? तालू, और नीचे वाला जी। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ, इनकी संख्या यदि लिखेंगे कि, एक चीज और देखिएगा, इस समय जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि समृद्ध का विलोम है, समृद्ध का विलोम है, तो समृद्ध का अब जो विलोम होगा क्या होगा? विपरीत। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आरपीएससी में, राजस्थान पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन रीट में भी पूछा जा चुका है। ये थोड़ा एडिशनल टाइप का क्वेश्चन था। हो गया। अब लिखिएगा समृद्ध स्वर की संख्या 5। कितना हो गया? 5। कौन कौन है समृद्ध स्वर, इनकी संख्या लिख लेंगे, कितनी? 5। ई दीर्घ ई, ठीक है ना, दीर्घ ई, ओ दीर्घ ऊ, और री लिख लीजिए। पांचवा संख्या लिखिए, हो गया। इसके बाद से अर्ध समृद्ध है, अर्ध समृद्ध, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या हो जाएगी 2। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। हाँ, बता रहे हैं, इसकी संख्या हो जाएगी ए और ओ, लिख लीजिए। अर्ध समृद्ध, हो गया। अब विपरीत बचा हुआ है, फिर इसके बाद से अर्ध विपरीत। तो विपरीत स्वर का मतलब कि मुंह खुल जाएगा, यानी अगर आप देखें तो ये होगा
संख्या में एक, और ये होगा क्या? आगत स्वर, मेहमान स्वर, गृहित स्वर, विदेशी स्वर। तो इसकी संख्या क्या होगी? जैसे मुंह खुल जाएगा, जैसे बोलते आ गोलगप्पा खाते हैं तो मुंह हो जाता आ गोलगप्पा खाते हैं ना, और डॉक्टर जब आपको देखता है मुंह में कि कुछ खाए हैं कि नहीं, क्या कुछ फंसा है, कहेगा मुंह खोलिए, तो क्या बोले आ। ऐसे एक वो पोयम भी आता है, जानी जानी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो बहुत होशियार है पापा, समझ में आ रहा है ना, वो चाहता है कि यस नो करें, मुंह खुल जाए और चोरी पकड़ी जाए। तो इसलिए यह हो गया कितना, संख्या में एक। इसके बाद से क्या बचा हुआ है आपका? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत जितना बचा हुआ है, जैसे अगर आप देखें कि समवृत्त स्वर की संख्या हो गई कितनी, पांच, बाकी अर्ध समवृत्त की संख्या हो गई दो, बच गया ये हो गया कितना दो, यानी सात, बचा कितना है चार। तो वो चारों किस में आ जाएगा? अर्ध विपरीत में। तो जो बचा है उसको लिखिए, जो बचा है उसको लिखिए। आए हो, आए हो, इसमें सर ये ए है, ए। और इसको अगर आगत स्वर नहीं लिखे तो इसको आ केवल लिखिएगा, एक सेकंड के लिए आ लिखिए। तो पहले आ दो, यानी अब अगर आप देखें तो ये पांच दो सात एक आठ, तो इनकी संख्या सॉरी चार हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा कितना होगा, तीन। कौन कौन बचा है? और इनकी संख्या कितनी हो गई टोटल? तीन हो गई, ठीक है ना। अब आगे लिखिएगा, दस रोक लो, ना सिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, आधार पर स्वर के प्रकार, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के प्रकार, तो दो प्रकार से होंगे, उनको लिखिए। हो गया, पहला लिखेंगे अनुस्वार, पहला लिखेंगे अनुस्वार और दूसरा लिखेंगे अनुनासिक। पहला क्या होगा? अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक। तो अनुस्वार जो स्वर होगा इसका उच्चारण क्या होगा? नाक से होगा। किससे होगा? और इसमें नासिक शब्द है तो नाक होगा ही, और इसके साथ साथ मुंह से भी इसका उच्चारण होगा, ठीक है ना। अगर इसके संकेत की बात करें, सांकेतिक चिन्ह या रूप के बारे में, तो ये हो गया शिरोरेखा और इसके ऊपर ये हो गया अनुनासिक का चिन्ह, इस सॉरी अनुस्वार का चिन्ह। इसका अगर अनुनासिक की संकेत की बात करें तो इसका हो जाएगा शिरोरेखा और इस पे चांद और ये अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है ना, अर्धचंद्र, ठीक है ना। तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। लिखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जिसके ऊपर ये यानी अनुस्वार लगेगा वह होगा क्या? वह होगा क्या? तत्सम। और जिसके ऊपर ये होगा वह क्या होगा? तद्भव। तत्सम यानी शुद्ध तरीके से संस्कृत से सीधे आ जाएगा, तद्भव यानी उससे उत्पन्न होगा। ये जब सब पढ़ेंगे वहां इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बात ये दिमाग में रखेंगे कि तत्सम और तद्भव छाटने में क्या करेगा,
बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एक और होता है जिसकी बात हम करते हैं, वह होता है निर्णु नासिक। निर्णु नासिक, अब निर्णु नासिक को यदि देखें तो ये दो शब्दों से अगर ऐसे देखें तो ये होगा निर, हो गया ना, निर अनु नासिक, देख रहे हैं निर अनु नासिक, क्योंकि ये र जो है वह स्वर रहित है और ये अ इसको आके क्या कर देगा, स्वर सहित बना देगा, तो ये र पूरा हो जाएगा और नु नासिक, निर नु नासिक हो जाएगा। अभी अनुनासिक में आप क्या देख रहे हैं, मुख और नाक से क्या होगा, उच्चारण होगा, और निर जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। तो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर, सभी स्वरों की संख्या कितनी है, सभी स्वर कितने हैं, 11। तो सभी के सभी स्वर जो अ से लेकर अ तक हैं ये क्या कहलाएंगे, निर्णु नासिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निर्णु नासिक कहलाएंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे, निर्णु नासिक हो गया, इसके बाद क्या देखेंगे कि देखिए ये अगर मैं स्वर को लिख रहा हूं अ आ लघु ई दीर्घ ई लघु उ उ ओ सॉरी री ए ऐ ओ ओ, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो अगर यहां लगाना होगा, देखिए अगर इस पे क्या लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं अर्धचंद्र बिंदु, क्या लगा सकते हैं अर्धचंद्र बिंदु, यानी क्या अनुनासिक लगा सकते हैं, इस पर भी क्या लगा सकते हैं अनुनासिक लगा सकते हैं, इस पर भी क्या लगा सकते हैं अनुनासिक, लेकिन जिसके ऊपर ये मात्रा होगा उस पे क्या लगाएंगे, केवल अनुस्वार लगाएंगे, यानी केवल बिंदु लगाएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा, लेकिन यहां लगाना होगा तो केवल क्या लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, तब जाके ये अनुनासिक और अनुस्वार बन जाएगा। ये देखिए ये क्या होता है ना कि जब हम क्या करते हैं कि वर्ण अशुद्धि पढ़ते हैं, वर्ण शुद्धिकरण पढ़ते हैं, तो वहां ये सारी चीजें जानते हैं, लेखन विधा में इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है और वर्तनी शुद्ध इसी के कारण, वर्तनी जब शुद्ध शुद्ध लिखना हम सीखेंगे उसमें इसका ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करना जानेंगे, क्लियर है ना। तो ये नई बात इस अब आपके दिमाग में जा रही है, इसको अच्छे से समझिए। अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि निर्णु नासिक की संख्या कितना है तो 11, सभी के सभी स्वर जैसे इधर उधर जितने स्वर हैं वो सभी के सभी क्या है, निर्णु नासिक कहे जाते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे स्वर जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, इधर उधर कोई ना तो अनुस्वार होता है ना नासिकता होती है, इस तरीके के स्वर क्या कहलाएंगे, निर्णु नासिक कहलाएंगे। आगे लिख लीजिएगा, सजाति विजाति कल हो गया था, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कि जातीय के आधार पर स्वरों के प्रकार। कचरा हो रहा है, जातीय के आधार पर स्वर के प्रकार। देखिए अब आपसे पूछ क्या लिया है, जातीय के आधार पर, तो दो प्रकार के होंगे, पहला सजातीय और दूसरा विजातीय, हो गया ना। सजातीय दो शब्दों से मिलकर बना है, सधन जातीय, और ये बना है दो शब्दों से विधन जातीय, ठीक है ना। तो स ये उपसर्ग है और बी भी उपसर्ग है, स उपसर्ग जो है हर एकदम बारीकी से पढ़ते चले आप
स जो उपसर्ग है इसका अर्थ है साथ या सहित। बी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बी जो उपसर्ग है इसका अर्थ यदि आप देखेंगे तो क्या होता है? अन्य। तो देखिए जब समान शब्द एक पास हो ना, जैसे यहां जाती है यहां जाती है, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन इसके साथ विसर्ग, सॉरी इसके साथ जो उपसर्ग है वह जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ बदलाव हो जाएगा या विशिष्टता आ जाएगी शब्दों में। तो एक चीज ध्यान देंगे कि अब हमको क्या करना है कि ऐसे स्वर जानना है, इसी को सस्वर बोल सकते हैं, स्वर ऐसे सस्वर जैसे कि मतलब समान स्वर, स का एक संदर्भ समान से भी होता है। तो जब समान स्वर की बात होगी मतलब या सस्वर की बात होगी या सजाती स्वर की बात होगी तो ये क्या कहलाएंगे? तीन जोड़े बनते हैं ऐसे जैसे अ और आ, ये क्या है? सजाती स्वर है। इसके अलावा और देखें आप तो लघु ई दीर्घ ई, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या देखना चाहे? उ और दीर्घ उ। तो ये तीन जो हो गए क्या? सजाती स्वर होगा। विजाती स्वर क्या होगा? कि जो एक समान न हो, यानी किसी अन्य के मेल से, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि इनमें से सजाती स्वर नहीं है, सजाती स्वर नहीं है, जैसे अ आ ई ई उ उ और अ ए, ठीक है ना। तो अगर इसमें से आपसे पूछ ले कि इनमें से सजाती स्वर नहीं है तो जवाब क्या होगा? अ ए, ये विजाती स्वर हो गया ना। तो इस तरीके से तो बाकी जो शेष बचे हैं वो विजाती स्वर में हैं, उनको लिख लीजिए, जल्दी करिए।